दुनिया में आज भी भारत का डॉक्टर खोजते हैं, क्यों खोजते हैं? क्योंकि वो चिकित्सा तो करता ही है, लेकिन साथ साथ हौसला बढ़ाने वाला, पेशेंट का धैर्य बढ़ाने वाला प्रेम भी देता है, जो उसके स्वभाव में। तो ये चिकित्सा भी सबको उपलब्ध रहती थी, और दवाइयां बनाने का काम कॉर्पोरेट के हाथ में नहीं था। कई डॉक्टरों के यहाँ कंपाउंडर होते थे, अपनी दवा बना के देते थे, खरीदने के लिए कम जाना पड़ता था। आज हर दवाई कारखाने में बनती है, कारखाने से मेरे घर तक आती है, बीच में बहुत लोग हैं, उनको भी पेट भरना है, उनका भी पैसा उसकी कीमत में मिलाया जाता है। धंधा तंत्र बन गया है, जमाना जैसा वैसा होगा। और इसलिए इन दोनों की व्यवस्था करने वालों को सोचना पड़ता है कि आधुनिक ज्ञान का पूरा उपयोग करते हुए उनके जो लाभ है उनको न छोड़ते हुए इन प्रणालियों के कारण कुछ कमियां हैं जो उत्पन्न होगी, उनको निकाल कर हम सस्ती अच्छी चिकित्सा और शिक्षा सबके पास कैसे पहुंचे। अभी चिकित्सालय के बारे में बताते समय तो मुनि जी ने बताया कि यहाँ एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद एक रास्ता ये है चिकित्सा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वही दवाई लागू पड़ती है ऐसा नहीं है। एलोपैथी का एक विशेष है, वो स्टैंडर्डाइज है, उसका लाभ है उसमें, बट लेकिन परंतु नहीं रहता कौन सी दवाई है, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, उसके क्या क्या एक्शन होते हैं, क्या क्या साइड, सब मालूम रहता है। और जो दवाई बनती है वो स्टैंडर्डाइज है, लेकिन सबके लिए एक ही दवा है। ये जो सबके लिए एक ही दवा, ये थोड़ा प्रकृति की विरुद्ध है।